आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या करने पहुंचे आरोपियों ने बीच बचाव कर रहे दूसरे व्यक्ति को भी मौत के घाट उतार दिया। बीते 31 अगस्त की सुबह राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदई में घटी इस दोहरे हत्याकांड की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक नाबालिग सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दोहरे हत्याकांड के मामले में राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने बताया कि कान्हा सारथी और मोहन के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद मोहन ने अपने साथियों के साथ मिलकर कान्हा सारथी और एक अन्य जितेंद्र साहू की हत्या कर दी। डबल मर्डर केस जो हुआ था नंदई चौक के पास में, तो उसी का खुलासा है। उस पर अपराध क्रमांक 626/22 दर्ज किया गया था। घेर लेंगे, जब सब लोग घेर लेंगे तब इन्होंने उनकी हत्या कर दी। इस बीच जो जितेंद्र कुमार साहू है वो बीच बचाव में अंदर आए बचाने के लिए, और मतलब उसमें सोहेल खान जो है तो उन्होंने उनको चाकू मिला। आपको बताइए, पहले से इनके आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही अच्छे और उस तरीके से लोग हैं जो एकदम नशे की उसमें आते करिए, पहले से ही एक आपराधिक रिकॉर्ड इनका रहा है। मृतक कान्हा सारथी हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। वहीं कान्हा की दोस्ती जेल में ही हत्या के प्रयास के मामले में बंद एक अन्य आरोपी बिल्लू से हुई थी। 31 अगस्त को आरोपी मोहन के दोस्त ने बिल्लू की मदद से ही कान्हा सारथी को घटना स्थल पर बुलाया था। हत्या की इस वारदात के दौरान वहां मौजूद जितेंद्र साहू बीच बचाव करने पहुंच गया था। इस दौरान आरोपियों ने जितेंद्र साहू पर भी धारदार हथियार से वार कर दिया। आरोपियों को जब पता चला कि जितेंद्र साहू नंदई क्षेत्र का ही निवासी और बीच बचाव करने आया था, तब आरोपियों ने जितेंद्र को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और जितेंद्र की भी मौत हो गई थी। इस दोहरे हत्याकांड में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई की जा रही है।